हेलो स्टूडेंट्स, तो एक बार हम फिर से आ गए हैं। कौन सा चैप्टर लेके? आपकी मैरी गोल्ड का यूनिट फर्स्ट का चैप्टर नंबर सेकेंड। वेरी गुड। तो अपने अपने इंग्लिश की बुक निकाल लीजिए और उसको अपने जहाँ मैं पढ़ूँ उसको मेरे साथ उंगली से उसको साथ में चलना है, उसको पढ़ना है। मैं आपको उसकी हिंदी बताऊँगा। तो हमारे चैप्टर का नाम है द मैजिक गार्डन, मतलब एक जादुई बगीचा। बहुत सुंदर। तो देखिए मैं पढ़ने हम चैप्टर चालू करते हैं। द मैजिक गार्डन वाज इन स्कूल प्लेग्राउंड। जो मैजिक गार्डन था, जो जादुई बगीचा था, वो कहाँ था? स्कूल के प्लेग्राउंड में, मतलब खेल के मैदान में। इट वाज वेरी प्रीटी, वो बहुत सुंदर था। सनफ्लावर्स एंड रोजेस स्टूड हाई अगेंस्ट द वॉल। जो सनफ्लावर थे, रोज था, मतलब वहाँ फूल थे, वो किससे लगे हुए खड़े थे? दीवार से। देयर वर आल्सो मैरी गोल्ड पॉपीज एंड पेंसीज। वहाँ पे और किस किस चीज के फूल थे? मैरी गोल्ड के, पॉपीज के और पेंसीज के। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। द सनशाइन फेल ऑन दिस गार्डन मोर देन ऑन एनी अदर एंड द फ्लावर्स डांस एंड सेइंग हैप्पीली। तो जो यहाँ पे सनशाइन थी, जो सूरज की चमक थी, वो पूरे गार्डन पर पड़ती थी, मतलब कहीं और से ज़्यादा यहाँ पड़ती थी, क्योंकि इसमें ही जो फूल, जो उसके फ्लावर्स थे, वो गाते थे और डांस करते थे। दे शेयर टू वन अनदर, वो एक दूसरे से कहते थे, वी हैव हंड्रेड्स ऑफ लिटिल गार्डनर्स, हमारे पास छोटे छोटे 100 से अधिक माली हैं। देवर द चिल्ड्रन फ्रॉम द स्कूल, वो कौन थे? गांव के, सॉरी प्यारे वीडियो, तो वो कौन थे? देवर द चिल्ड्रन फ्रॉम द स्कूल, वो इस स्कूल के बच्चे थे। तुम भी लगाते हो ना पानी स्टूडेंट्स? अपने स्कूल के पेड़ में पानी लगाते हो? हाँ, तो ऐसे ही ये बच्चे भी यहाँ पे पानी लगाते हैं स्कूल के पे, मतलब कि जो पेड़ होते हैं। वन सनी मॉर्निंग, एक दिन चमकते सूरज में, सुबह में, द फ्लावर्स वर टॉकिंग टू बर्ड्स, जो फ्लावर्स थे वो पक्षियों से बातें कर रहे थे। आई लव ऑल द चिल्ड्रन, हम इन सब बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। बट आई लव द डियर लिटिल वंस मोस्ट ऑफ ऑल, लेकिन हम जो इसमें जो सबसे छोटा है ना, उसको ज़्यादा करते हैं। शेड ए पॉपी, पॉपी के फूल ने कहा, आई लाइक देम टू ब्रिंक दियर वाटरिंग कैंस एंड वाटर माई थर्स्टी रूट। हमें जो है ना, उनके जो द्वारा, जो हमारे द्वारा, हमारे जो जड़ों में पानी लगाया जाता है, प्यासी जड़ों में, वो बहुत पसंद है। यू सेड यस, सेड मैरी गोल्ड। मैरी गोल्ड ने कहा, हाँ बिल्कुल। द बॉयज आर गुड टू अस टू, दे टेक द क्राउन सो वेल। और ये जो लड़के हैं ना, ये हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत अच्छे से गड्ढा खोदते हैं। वी लव द लिटिल चिल्ड्रन, हम इन छोटे बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। सेड द टीनी बर्ड, उस टीनी बर्ड ने कहा, छोटे पक्षी ने, छोटी चिड़िया ने कहा, दे आर काइंड एंड दे ब्रिंग ब्रेड फॉर अस, वो बहुत दयालु हैं और वो हमारे लिए ब्रेड भी लेकर आते हैं, रोटी भी लेकर आते हैं। ऑल द फ्लावर्स सेड, सभी फ्लावर्स ने कहा, वी मस्ट वर्क हार्ड टू मेक अवर ड्रेसेस वेरी प्रिटी, हमें बहुत मेहनत करनी चाहिए अपनी जो जो हमारी ड्रेस है, जो हमारे कपड़े हैं, उन्हें और सुंदर करने के लिए। फॉर द चिल्ड्रन विल बी हेयर सून, अभी देखो यहाँ पे बच्चे आने वाले हैं। द सन सेड, सन ने कहा, आई विल हेल्प यू ऑल्सो, मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ। फॉर नथिंग प्लीज इज मी आफ्टर देन, कोई भी मुझे मतलब कि इस चीज़ के नहीं दे रहा, बट मतलब बेटर देन टू सी द चिल्ड्रंस रनिंग अबाउट इन द गार्डन सनशाइन। लेकिन तभी क्या हो, मतलब कि वहाँ से बच्चे जो गार्डन में, उसमें मतलब कि भागते हुए आते हैं। सडनली द चिल्ड्रन केम आउट लाफिंग एंड सिंगिंग, हंसते हुए गाते हुए आते हैं। एंड द फ्लावर्स स्टॉप दियर सॉन्ग्स टू लिसन टू देम, तभी सारे फूल रुक गए, क्यों? वो उनका गाना सुनने लगे जो बच्चों का था। ओह लुक एट टॉल सनफ्लावर, ओह देखो एक उसे ऊंचे सूरजमुखी के फूल को देखो, शेड वन चाइल्ड, एक बच्चे ने कहा। एंड द सनफ्लावर लिफ्टेड
इट्स हैड वेरी प्राउडली, और सनफ्लावर ने अपना जो सिर है वो बड़े ही बल्कि गर्व से ऊंचा कर लिया। इट वॉज अनदर चाइल्ड से, दूसरे बच्चे ने कहा, आई लव द मैरी गोल्ड इन द गोल्डन ड्रेस, मुझे तो मैरी गोल्ड बहुत पसंद है, गेंदे का फूल बहुत पसंद है जो एक गोल्डन ड्रेस में है। द मैरी गोल्ड स्माइल हैप्पीली, मैरी गोल्ड भी स्माइल करने लगा। इट वॉज इंडीड ए मैजिक गार्डन, ये एक मैजिक गार्डन था, क्यों? बिकॉज क्योंकि इट हैड फेरीज टू, इसमें परियां भी थी, दे डांस एंड सिंग स्वीट सॉन्ग विच ओनली द चिल्ड्रन कुड हियर, वो एक डांस मतलब कि डांस करती थी और गाना सुनाती थी, मीठे गाने जिन्हें केवल बच्चे ही सुन सकते थे। आफ्टर ए टाइम द फेरीज केम आउट, कुछ ही समय बाद फेरीज आ गई डांसिंग एंड टॉक विद द चिल्ड्रन, और डांस करने लगी और बच्चों के साथ बातें करने लगी। हियर ड्रेसेस वर मेड ऑफ फ्लावर्स, उनकी जो ड्रेस थी वो फूलों की बनी हुई थी। एंड देयर विंग्स ऑफ सनशाइन, और उनके पंख सूरज की चमक के बने थे। द मैजिक गार्डन वॉज क्वाइट दैट नाइट, अब उस रात मैजिक गार्डन बिल्कुल शांत हो गया। द फ्लावर्स एंड बर्ड एस्लीप, जो फ्लावर्स थे और जो पक्षी थे वो सो गए। एंड ड्रीमिंग ऑफ द नेक्स्ट डे, और अगले दिन के लिए वो सपना देखने लगे। द चिल्ड्रन वुड केम अगेन, जब बच्चे अगले दिन फिर आएंगे। तो स्टूडेंट्स इसके डिस्कस कर लेते हैं वर्ड मीनिंग। तो देखिए, मैजिक मतलब जादुई, गार्डन मतलब बगीचा, गार्डनर्स माली, प्लेग्राउंड खेल का मैदान, सनशाइन सूरज की चमक, गोल्डन सुनहरा, ड्रीमिंग सपना। वेरी गुड, अब इसके आप क्वेश्चन आंसर देख लीजिए। ओके तो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।